गुड मॉर्निंग व्यूअर्स आज हम पढ़ेंगे द हंड्रेड ड्रेसिस पार्ट वन लेट स्टार्ट हाउ डू वी जज द पीपल अराउंडर्स हम किस तरह से अपने आस पास के लोगों को आंकते हैं बाय देर मनी वेल्थ एंड पोजेशंस उनके पैसों से धन से या फिर उनकी मलकियत से और इज देयर समथिंग ऑफ मोर एंड वैल्यू टू लुक फॉर इन अ पर्सन या फिर इन तीन चीज़ों के अलावा भी कोई ऐसा गुण है कोई ऐसा स्थाई गुण है जो हम किसी इंसान में देखते हैं दिस स्टोरी इज़ ए सेंसिटिव अकाउंट ये कहानी एक संवेदनशील ब्योरा है ऑफ हाउ अ पोअर यंग गर्ल इज जजड बाई हर क्लासमेट्स कि किस तरह से एक गरीब लड़की अपने सहपाठियों के द्वारा आंकी जाती है वन डॉ पेट्रॉन्स की इज अंग पॉलिश गर्ल वन डॉ पेट्रोस की एक यंग पॉलिश गर्ल है हु गोज़ टू स्कूल विद अदर अमेरिकन चिल्ड्रन जो दूसरे अमेरिकन बच्चों के साथ स्कूल जाती है इन एन अमेरिकन टाउन एक अमेरिकन टाउन में दीज अदर चिल्ड्रंस यी वांडा एज डिफरेंट इन मैनी वेज लेकिन ये बच्चे वांडा को कई प्रकार से अलग पाते हैं कैन यू गैस हाउ दे ट्रीट हर क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो वांडा को कैसे ट्रीट करते हैं उसके साथ कैसा बर्ताव करते हैं ये स्टोरी शुरू करने से पहले लेट मी टेल यू यहाँ पर तीन मैन मेन कैरेक्टर्स हैं ठीक है एक तो है पैगी जो कि बहुत अमीर लड़की है मेडलिन उसकी फ्रेंड है मैडलिन गरीब लड़की है और वांडा एक पॉलिश गर्ल है वो भी बहुत ज़्यादा गरीब है लेट्स स्टार्ट टुडे मंडे वांडा पेट्रॉस की वॉज नॉट इन हर सीट आज सोमवार के दिन वांडा पेट्रॉस की अपनी जगह पर नहीं थी बट नो बटी नॉट इवन पैगी एंड मैडलिन द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन यानी कि पैगी और मैडलिन जो उसका मजाक उड़ाया करती थी नोटिस हर हजबेंड एबसेंस यानी कि उसकी गैर हाजिरी को उसने नोटिस नहीं किया यूजली वो सेट इन द सेट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो आम तौर पर जो वांडा थी वो लास्ट पंक्ति में लास्ट रो में ठीक है ना सेकंड लास्ट सीट पर बैठा करती थी यानी कि उस वो जो रूम नंबर थर्टीन था उसके अंदर जो लास्ट रो थी लास्ट रो में भी सेकंड लास्ट सीट पर वो बैठा करती थी और उसका रूम नंबर क्या था रूम नंबर थर्टीन था शी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम वो रूम के कोने में बैठा करती थी वी आर द रफ बॉय जहाँ पर रुखे स्वभाव के लड़के हु डिट नॉट मे गुड गुड मार्क्स जो कि अच्छे अंक नहीं प्राप्त करते थे वो बैठा करते थे द कॉर्नर ऑफ द रूम वी आर देयर वर्स मोस्ट कफलिंग ऑफ इट यानी कि उस कमरे के कोने में जहाँ पर बहुत सारी पैरों की खड़खड़ाहट होती थी स्कफ़लिंग ऑफ इट यानी कि पैरों की पैरों की, की खड़खड़ाहट होती थी मोस्ट रोर्स ऑफ लाफ्टर और हंसी के ठाके उत्पन्न होते थे रोर्स ऑफ लाफ्टर मतलब हंसी के ठाके उत्पन्न होते थे व्हेन एनीथिंग फनी वॉज सेड जब कोई मजाकिया बात कही जाती थी एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर यानी कि और फर्श पर हमेशा कीचड़ और गंदगी रहती थी वांडा डिड नॉट सिट देयर, यानी कि जो वांडा वहाँ पर बैठती थी बिकॉज शी वॉज रफ एंड नोजी इस वजह से नहीं कि वो रुख स्वभाव की थी या फिर वो शोर मचाने वाली थी ऑन द कॉन्ट्रेरी इसके उलट इसके विपरीत शी वॉज वेरी क्विड वो बहुत शांत थी एंड रेयरली रेयरली मतलब बहुत कम सेड एनी थिंग एट ऑल और वह बहुत ज़्यादा कम बोलती थी एंड नो बडी हैड एवर हर्ड हर लाव और किसी ने कभी उसको हंसते हुए भी नहीं सुना आउट लाउड यानी कि ऊँची आवाज़ में हंसते हुए उसको कभी किसी ने नहीं देखा समाइम्स शी ट्विस्टेड हर माउथ कई बारी वो अपने मुंह को ट्विस्ट सुकेड़ लेती थी इंटू अड सॉर्ट ऑफ स्माइल यानी कि एक बद्धी भद्दी हंसी के रूप में अपने मुंह को वो सुकेड लेती थी बट देट वॉज ऑल बस वो इतना ही किया करती थी नब डीन यू एग्जैक्टली वाई वॉन्डा सेट इन दैट सीट कोई भी इस चीज़ को नहीं जानता कि वांडा उस सीट पर क्यों बैठती थी अनलेस इट वॉज बिकॉज शी केम ऑल द वे फ्रॉम बॉगिन्स हाइट्स क्या ऐसा ऐसा तो नहीं था कि वो बॉगिंग हाइट से आती थी एंड हर फीट वर यूजली केकड विद ड्राई मड और उसके जो पैर थे आम तौर पर यूजली केकड यानी कि गंदे रहते थे विद ड्राई मड सूखी हुई कीचड़ से गंदे रहते थे बट वन रियली थाट मच अबाउट वांडा पैट्रोस की लेकिन कोई भी वांडा पैट्रोस की के बारे में नहीं सोचता था वंश ई सेट इन कॉर्नर ऑफ द रूम जब वो रूम के कॉर्नर में बैठ जाती तो कोई भी उसके बारे में नहीं सोचा करता था द टाइम वैन दे थाट अबाउट वांडा यानी कि जो टाइम था जिस टाइम पर वो वांडा के बारे में सोचते थे बस आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स यानी कि स्कूल के जो आवर्स हैं उसके अलावा सोचते थे कैसे एट नून टाइम वैन दे व कमिंग बैक टू स्कूल यानी कि दोपहर के समय जब वो स्कूल आ रहे होते और इन द मॉर्निंग या फिर सुबह में अर्ली बिफोर स्कूल बिगैन यानी कि स्कूल शुरू होने से पहले ओके वैन ग्रुप्स ऑफ टू और थ्री यानी कि दो का ग्रुप तीन का ग्रुप और इवन मोर या इससे भी ज़्यादा का जब ग्रुप में बच्चे आते थे वुड बी टॉकिंग एंड लाफिंग बातें करते हुए हंसते हुए ऑन देअर वे टू द स्कूल यार्ड अपने आंगन में आते थे इसका मतलब क्या है वो वांडा के बारे में स्कूल के टाइम पर नहीं सोचते थे सिर्फ किस टाइम सोचते थे या तो स्कूल से पहले यानी कि अर्ली मॉर्निंग या फिर छुट्टी होने के बाद या फिर जब दो तो, तीन ग्रुप में वो उसके आंगन में यानी कि स्कूल के जो अम, यार्ड uh, है उसके उस आंगन में वो जाते थे उसी टाइम पर वो सोचते थे यानी कि स्टडी के टाइम पर वो वांडा के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते थे द नेक्स्ट डे ट्यूजडे अगले दिन मंगलवार के दिन वांडा वाज नॉट इन स्कूल वांडा स्कूल में नहीं थी इधर यानी कि अगले दिन ट्यूसडे को भी वो स्कूल में नहीं आई थी एंड नोबडी नोटिस हर एबसेंट अगेन लेकिन फिर किसी ने उसकी गैरहाज़िरी को नोटिस नहीं किया बट ऑन वेंसडे लेकिन बुधवार को पैगी एंड मैडी पैगी और मैडी सेट डाउन फ्रंट विद अदर चिल्ड्रन जो आगे बैठा करती थी दूसरे बच्चों के साथ हु गॉट गुड मार्क्स जो अच्छे अंक लाया करते थे एंड हु डिडेंट ट्रैक इन अ होल लॉट ऑफ मड और वो कीचड़ वाले गंदे रास्ते से भी नहीं आया करते थे डिड नोटिस दैट वोंडा वॉज एट देयर तब उन्होंने नोटिस किया कि वांडा वहाँ पर नहीं थी पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल जो पैगी थी वो क्लास की सबसे मशहूर लड़की थी इन स्कूल और स्कूल में शिव स्प्रीटी वो सुंदर थी शी हैड मैनी प्रीटी क्लोज उसके पास बहुत सुंदर कपड़े थे एंड हर हेयर वर वोज कर लिए और उसके जो बाल थे वो घुंगाले थे मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड मैडी जो थी उसकी पक्की दोस्त थी द रीज़न पैगी एंड मैडी नोट इज़ वॉन्डर्स एबसेंस ये जो कारण था कि पैगी ने और मैडी ने उसकी गैर हाजिरी को नोटिस किया वज बिकॉज क्योंकि वांडा हैड मेड दैम लेट टू स्कूल क्योंकि वांडा ने उनको स्कूल के लिए लेट कर दिया था देड वेटिड एंड वेटिड यानी कि उन्होंने वांडा का इंतजार किया टू हैव समन विद हर ताकि वह उसका मजाक उड़ा सकें एंड शी जस्ट हैड एंड कम और वो नहीं आई थी दे ऑफ़न वेटड फॉर वांडा पेट्रॉसकी वो अक्सर वांडा पेंट्रोस्की का इंतजार करते टू हैव फन विद हर ताकि वह उसका मजाक उड़ा सकें वांडा पेंट्रोस की मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम थर्टीन हैव नेम्स लाइक दैट यानी कि रूम नंबर जो तेरह था उस रूम नंबर में वांडा पेंट्रोस की जैसा नाम किसी का नहीं था दे हैड नेम्स इजी टू से यानी कि उनके नाम थे जिनका इजी बोल लिए जाते थे जैसे कि टॉमस स्मिथ एलन इस तरह के नाम जो आसानी से बोल लिए जाते थे देर वॉज वन बॉय नेम्ब बाउंस उसमें एक लड़का था क्लास में जिसका नाम बाउंस था विली बाउंस एंड पीपल थाट दैट वॉज फनी और लोगों को लगता था कि यह बहुत ज़्यादा मजाकिया नाम है बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेटरस की वॉज लेकिन इतना मजाकिया नहीं था जितना कि पेट्रॉन्स की वांडा डिटेंट हैव एनी फ्रेंड वांडा के कोई दोस्त नहीं था शी केम टू स्कूल अलोन वो स्कूल अकेली आती थी एंड वेंट होम अलोन और वो घर अकेली जाती थी शी ऑलवेज व्लू ड्रेस वो हमेशा एक फीके रंग की नीली वर्दी पहनती थी दैट डिटेंट हैंग राइट हैंग राइट का मतलब जो उसके फिट नहीं आती थी इट वॉज़ क्लीन ये साफ़ होती थी वर्दी बट इट लुकड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली हालांकि ये साफ़ होती थी उसकी जो ड्रेस थी लेकिन ऐसा लगता था कि कभी भी इसको प्रेस नहीं किया गया शी डिडन्ट हैव एनी फ्रेंड्स उसके ना तो कोई दोस्त थे बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर लेकिन बहुत सारी लड़कियों उससे बातें करती थी समटाइम्स कई बार दे सराउंडेड हर वो उसे घेर लिया करती थी इन द स्कूल यार्ड स्कूल के आंगन में एस शी टू ड वॉचिंग द लिटल गर्ल्स जब वो छोटी लड़कियों को प्ले हॉप स्कॉच यानी कूदने वाला खेल हॉप खेलते हुए देखती तो बहुत सारी लड़कियां उसको घेर लेती ऑन द वन हार्ड ग्राउंड उस सख्त मैदान पर यानी कि कई बार वांडा जब लड़कियों को हॉप कोच यानी कि कूदने वाला खेल खेलते हुए देखती तो बहुत सारी लड़कियां उसको घेर लेती थी ओके okay? वांडा पैगीवुड से इन मोस्ट कर्टेड मैनर वांडा पैगी क्या कहती बहुत विनम्रता से एज दो शिवर टॉकिंग टू मिस मैसन मान लो कि वो मिस मैसन मिस मैसन उनकी टीचर का नाम है मान लो वो मिस मैसन से बात कर रही हूँ इतनी प्यार से इतनी विनम्रता से वो क्या बुलाती वांडा वांडा वुड से वो कहती गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स आन नज यानी कि जो वांडा यानी कि जो पैगी थी अपनी फ्रेंड को हल्का सा पुश करते हुए हल्का सा धक्का देते हुए कहती टेलस हाउ मनी ड्रेसेज डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजिट यानी कि हमें बताओ तुम कितने तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेज हैं क्लोजिट के अंदर यानी कि उस अलमारे के पास तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेज हैं अब देखो ये सिंपल से सीनैरियो है अगर दो या तीन लड़कियों ने मिलकर किसी दूसरी लड़की का मजाक उड़ाना तो वह क्या करती हैं एक दूसरे को कोहनी मार कर वो क्या करती हैं देख अब इसका मजाक उड़ाती हैं इससे कुछ पूछते हैं ठीक इसी तरह से जो पैगी थी ठीक है ना उसने कोनी मार कर उसने थोड़ा सा पुश करके अपने फ्रेंड को कहा क्या कहा वांडा को बुलाया और वांडा से पूछा वांडा तुम्हारे पास कितनी ड्रेसिंग है तुम्हारी अलमारी में अहंड्रड वांडा वुड से वांडा क्या कहती एक सो अहंड्रेड एक्सक्लिम्ड ऑल द लिटिल गर्ल्स इनक्रेडुलसली और एक सो सारी लड़कियां अविश्वसनीय तरीके से वो एक्सप्लेन करती हाव भाव दिखाकर एंड द लिटल वंस वुड स्टॉप प्लेइंग प्लेइंगच एंड लिसन और जो छोटी लड़कियां होती वो अपना खेल बंद करके सुनने लगती यह हंड्रेड ऑल लाइन अप हाँ हंड्रेड ड्रेसेस हैं मेरे पर ऑल लाइन अप और सारी पंक्ति में लगी हुई हैं सेड वांडा वांडा कहते देन हर थिन लेप्स ड्यू टू गैदर इन साइलेंस फिर उसके जो पतले होट थे वो साइलेंस यानी कि वो खामोश हो जाते वो चुप हो जाते वट आर दे लाइक वो किस तरह की दिखती हैं ऑल सिल्क आई बैट मैं शर्त लगाती हूँ वो सारी रेशमी रेशमी कपड़े की हैं सिल्क की हैं सेट पैगी पैगी ने कहा या ऑल सिल्क ऑल कलर्स हाँ सारी सिल्क की हैं और सारे कलर्स की हैं वेलवेट टू क्या बैंगनी भी हैं या वेलवेट ट्रू हाँ वेलवेट भी वेलवेट की भी हैं आ हंड्रेड ड्रेसेज एक सौ ड्रेसेज हैं मेरे पास वांडा वुड रिपीट स्टॉलिडली स्टॉलिडली मतलब निरुत्साहित होकर गति मेरे पास हंड्रेड से भी ज़्यादा ड्रेसेस हैं या फिर हंड्रेड ड्रेसेस हैं ओल लाइंड अप इन माई क्लोज़ेट मेरी अलमारी में वो सारी पंक्तिबद्ध लगी हुई हैं देन देट लेट हर गो तब वो उसको जाने देते एंड देन बिफोर शेड गोन वेरी फॉर और जब वो दूर चली जाती दे कूडेंट हेल्प बर्स्टिंग इन टू श्रीक्स एंड पील्स ऑफ लाफ्टर और वो हंसी के ठहाके लगाए बिना ना, ना रह पाती पील्स ऑफ लाफ्टर मतलब हंसी के ठहाके श्रीक्स मतलब चीखें ठीक है यानी कि जैसे ही वो बेचारी जो वांडा थी वो दूर चली जाती है उनसे तो वो आपस में मिलकर खूब उसका मजाक उड़ाती है और उस पर हंसती अ हंड्रेड ड्रेसेस एक सौ ड्रेसेस ऑब्वियसली ये तो स्पष्ट था द ओनली ड्रेस वांडा हैड वाज़ अ ब्लू वन ये तो स्पष्ट था कि जो वांडा के पास सिर्फ एक जो ड्रेस थी वो नीले रंग की थी शी वोर एवरी डे जो कि वो हर रोज़ पहना करती थी सो वाई डिट शी से शी हैड ए हंड्रेड लेकिन वो ऐसा क्यों कहती थी कि उसके पास एक सौ हैं वाट आर स्टोरी इसके पीछे कहानी क्या है हाउ मनी शूज़ डिड यू से यू हैड अच्छा बताओ तुम्हारे पास कितने शूज़ हैं मतलब कितने जोड़े हैं शूज़ के सिक्सटी पेयर साठ जोड़े all lined अप इन माई closet, और मेरी अलमारी में सारे वो कतारबद्ध हैं पंक्ति में लगे हुए हैं क्राइज ऑफ एग्जेजरेटेड पोलाइटनेस एग्जेजरेट मतलब बढ़ा चढ़ा कर मतलब बहुत विनम्रता से यानी कि दिखावे वाली जो विनम्रता से वो उसका अभिवादन करते ऑल अलाइक अच्छा वो जो सारे जोड़े हैं वो सारे एक से हैं क्या ऑल अलाइक Oh नो no, नहीं एवरी पेयर इज डिफरेंट हर जोड़ा अलग है ऑल कलर्स हर कलर का है ऑल लाइंड अप और सारे लाइन से लगे हुए हैं पैगी हु हैड थॉट अप दिस गेम पैगी जिसने ये गेम की खोज की थी एंड मैडी और जो मैडी हर इनसेपरेबल फ्रेंड जो उसकी अभिन्न मित्र थी व ऑलवेज अ लास्ट टू लीव यानी कि वो दोनों हमेशा आखिर में ही जाते फाइनली वांडा वुड मूव अप और आखिर में जो वांडा थी वो चली जाती अब द स्टेट गली में चली जाती हर आइज डल एंड हर माउथ क्लोज उसकी जो आंखें थी वो नीरस होती हैं और उसका जो माउथ था यानी कि वो बंद होता हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर हिचिंग मतलब झटके से हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ एंड देन यानी कि वो बार बार अपने लेफ्ट शोल्डर को एक बड़ी मजाकिया तरीके से झटकती झटका देती इन द फनी वे शी हैड फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन और वो स्कूल अकेली चली जाती पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल यानी कि जो पैगी थी वो असल में क्रूर नहीं थी जालिम नहीं थी बुरी नहीं थी शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्राम बोलीज बल्कि वो तो छोटे बच्चों को बदमाश लड़कों से बचाती थी एंड शी क्राइड फॉर आवर्स और वो घंटों तक रोती थी चिल्लाती थी इफ़ शी सोन एनिमल मिस ट्रीटेड अगर वो देखती कि किसी जानवर से कोई बुरा व्यवहार हुआ है इफ़ एनीबडी हेडसेट टू हर अगर कोई उससे कहता डोंट यू थिंक दैट इज़ क्रूअल वे टू ट्रीट वांडा क्या ये क्रूर तरीका नहीं है वांडा से व्यवहार करने का शी वु हैव बीन वेरी सरप्राइज वो बड़ी हैरान होती क्रूअल क्रूर वाई डिड द गर्ल से वो लड़की क्यों उस लड़की ने क्यों कहा शी हैड हंड्रेड ड्रेसिस उसके पास हंड्रेड ड्रेसेस हैं एनी बडी that was अ lie कोई भी ये बता सकता था कि वो झूठ बोल रही है why डिड शी want टू lie वो झूठ क्यों बोल रही है एंड शी wasn't just जस्ट एंड ऑनरी पर्सन और वो कोई साधारण प्राणी भी नहीं थी साधारण पर्सन भी नहीं थी एल्स वाई डिट शी हैव ए नेम लाइक दैट नहीं तो उसका ऐसा अजीब सा नाम क्यों है एनी वे खैर कुछ भी हो दे नेवर मेड हर क्राई लेकिन वो कभी उसको रुलाते नहीं थे एज फॉर मैडी दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वांडा जहाँ तक मैडी का सवाल है दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वांडा एवरी डे हाउ मनी ड्रेसेज एंड हाउ मेनी हेड्स यानी कि जो मैडी थी उससे रोज़ का पूछना यानी कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं तुम्हारे पास कितनी हैड्स हैं एंड हाउ मेनी दिस एंड देड ये कितनी हैं, वो कितनी हैं शी है शी हैड वॉज बॉद्रिंग हर यानी कि उसको दुखी करता था यानी कि जो मैडी थी उसकी जो फ्रेंड थी उसको ये चीज़ दुखी करती थी कि जो पैगी है वो क्यों वांडा से इस तरह के फालतू के सवाल पूछती है शी यूजली वोर समबडीज़ हैंडमी डाउन क्लोज मैडी वॉज ए पोअर हर सेल्फ क्योंकि मैडी खुद एक गरीब लड़की थी शी यूजली वो डाउन और वो आम तौर पर किसी दूसरे के हैंड डाउन, किसी के दिए हुए कपड़े हैंडमे डाउन मतलब किसी के दिए हुए कपड़े पहना करती थी थैंक गुडनेस, शुक्र है शी डिट लिव अप ऑन बॉगिन वो बॉगिन हाइट में नहीं रहती थी और हैवे फनी नेम और उसका मजाकिया नाम नहीं था कभी कभी जब पैगी वांडा से वो वाले क्वेश्चंस करती है इन दैट मोकिंग पोलाइट वॉइस यानी कि मजाक करते हुए पोलाइट वॉइस यानी कि बड़ी विनम्रता वाली आवाज लेकिन उसके अंदर मोकिंग है यानी कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है जब मैं जब इस तरह से उसके सवाल करती मैडी फेल्ट एम्बेस्ड मैडी को क्या महसूस होता शर्मिंदा महसूस होता एंड स्टडीड द मार्बल्स इन इन पाम उसकी हथेली में जो कंचे होते वो उससे खेलने लगती रोलिंग दैम अराउंड उनको घुमाती एंड सेंग नथिंग हर सेल मतलब वो चुपचाप खड़ी रहती नॉट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा ऐसा नहीं था कि वो वांडा के प्रति सॉरी महसूस करती उसके प्रति उसको दुख होता एग्जैक्टली शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन बल्कि वो तो वांडा की तरफ कोई ध्यान भी ना देती टू वांडा इफ पैगीड एंड द ड्रेसेस गेम अगर पैगी ने वो सो ड्रेसिस वाला गेम की खोज ना की होती बट सपोज पैगी एंड ऑल द अदर स्टार्टेड इन हर नेक्स्ट अब वो मैडी सोच रही है क्या होगा अगर मान लो पैगी ने और उसकी जो फ्रेंड्स हैं उसने ये गेम मेरे ऊपर खेलना शुरू कर दी तो क्या होगा शी वॉजन एज पर एज वांडा वो वांडा की तरह गरीब तो नहीं थी पर हैप्स बट शी वॉज़ पुअर लेकिन वो गरीब ज़रूर थी ऑफकोर्स शी वुड है मोर सेंस देन टू से शी हैड अ हंड्रेड ड्रेसिस हालांकि वो इतनी तो समझदार थी कि वो हंड्रेड ड्रेसिस की बात ना करती स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर लेकिन फिर भी वो ये नापसंद करती कि वो उसका उसके साथ मजाक शुरू करें शी वीस्ड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वांडा पैटोन्स की वो उसकी इच्छा थी कि जो पैगी है वो वांडा से मजाक करना वांडा को छेड़ना बंद कर दे टुडे इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल आज हालांकि वो स्कूल के लिए लेट हो गए थे मैडी वाज ग्लैड मैडी खुश थी शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वंडा क्योंकि उसको वंडा का मजाक उड़ाना नहीं पड़ेगा शी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स यानी कि वो अपने अंक गणित की कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी एबसेंट माइंडेडली बेफिक्र होकर एबसेंट माइंडेड होकर यानी कि दूसरों दुसरो, दु, दूसरों का ध्यान बिल्कुल नहीं था वो अपने ही ख्याल में मगन थी एट टाइम्स एट एट इन टू एट कितना होता है लेट से चलो देखते हैं शी वी शी हैड द नर्व टू राइट पैगी नोट और उसने इच्छा की कि काश उसके पास नर्व टू राइट यानी कि इतनी हिम्मत होती कि वो पैगी को एक नोट लिख सके बिकॉज शी न्यू शी नेवर वुड हैव द करेज क्योंकि वो जानती थी कि वो कभी हिम्मत नहीं जुटा पाएगी टू स्पीक राइट आउट टू पैगी यानी कि स्पष्ट रूप से बोलने पर यानी कि वो पैगी को, को स्पष्ट रूप से कभी नहीं बोल पाएगी कि हे पैग लेट्स स्टॉप आस्किंग वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैज चलो पैग चलो ये ये पूछना बंद करें मांडा से यानी कि वांडा को छेड़ना बंद करें कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं यानी कि मैडी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मुंह पर उसके बोल सके उसको कुछ कह सके तो उसने सोचा चलो मैं नोट लिखकर ही ये पैगी को बोल दूंगी When she finished her arithmetic, जब उसने अपने arithmetic की finish problem finish की ख़त्म की she did start a note to Peggy. तो उसने एक note Peggy को लिखना शुरू किया Suddenly, अचानक क्या हुआ She paused. अचानक से वो रुक गई and shuddered. और वो कांपने लगी She pictured herself in the schoolyard. तो उसने अपने आप को क्या देखा अपने आप को एक school yard में देखा यानी कि उसने imagine किया उसने कल्पना की अ न्यू टारगेट फॉर पैगी यानी कि वो खुद एक नया टारगेट बन चुकी है पैगी का एंड द गर्ल्स और दूसरी लड़कियों का पैगी माइट आस्क हार्ड वियर शी गॉट द ड्रेस पैगी अब उससे ये भी पूछ सकती थी कि उसने जो ड्रेस पहनी है वो उसने कहाँ से ली दैट सी हैड ऑन जो उसने पहनी हुई है एंड मैडी वुड हैव टू से इट वॉज वन ऑफ पैगीज़ ओल्ड वंस और मैडी क्या कहती कि ये पैगी की एक पुरानी ड्रेस है डेट मैडीज़ मदर जो कि मैडी की, की मां ने हैड ट्राइड टू डिसगैज कोशिश की डिसगाइ मतलब बदलने की कैसे विद न्यू ट्रीमिंग्स। न्यू न्यूट्रिंग मतलब उसकी काट छाट करके उसको बदलने की कोशिश की यानी कि आमतौर पर ऐसा होता है जैसे कुछ अमीर बच्चे होते हैं उनके जो कपड़े हैं दूसरे गरीब बच्चों के काम में आ जाते हैं ठीक है तो मैडी अपने आप को इमेजिन कर रही है कि मैं दूसरा टारगेट बन चुकी हूँ पैगी का और जो ड्रेस मैंने पहनी हुई हो वो पैगी मुझसे पूछ रही है भाई ये ड्रेस कहाँ से आई उस तु, तु, तुमने किस को दी और वो क्या कहती यानी कि ये जो ड्रेस है वो पैगी की है लेकिन उसने मैडी की माने उसको काट छाट करके ठीक है ना उसको बदल दिया ताकि वो रूम में स्कूल में कोई उस ड्रेस को पहचान ना सके सो नो वन इन रूम थर्टीन वुड रिकोगनाइज रोक मतलब कोई उसको पहचान ना सके नहीं तो वो शर्मिंदा महसूस करती मैडी जो थी इफ ओनली पैगी विद डिसा यानी कि उसने क्या सोचा अगर पैग, पैगी को अच्छा लगेगा तो वो खुद ही उसका मजाक उड़ाना छोड़ देगी ओ oh वेल well, हाँ ठीक है मैडी रैन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड तो मैडी ने अपने बालों में हाथ फेरा ठीक है ना उसके बाल कैसे थे सुनहरे थे एज दो टू पुश द अनकम्फर्टेबल थाट्स ऐसा लग रहा था मानो जो अपने उसको परेशान करने जो वाले विचार थे वो अपने विचारों को ख़त्म कर रही हो पीछे फेंक रही हो वट डिफरेंस डिड दैट मेक क्या फर्क पड़ता है स्लोली मैडी टोर इन टू बिट्स द नोट्स शी हैड स्टार्टिड और धीरे धीरे उसने जो मैडी ने क्या किया जो नोट उसने लिखना शुरू किया था उसने उसको फाड़ दिया टुकड़े टुकड़े कर दिया शी पैग इज बेस्ट फ्रेंड क्योंकि जो मैडी थी वो क्या थी पैगी की बेस्ट फ्रेंड थी एंड पैगी वाज अ बेस्ट लाइक गर्ल और जो जो पैगी थी वो सबसे ज़्यादा पसंद की जाती थी क्लास में इन द होल रूम पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनी और जो कुड नॉट डू एनी थिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग शी थाट और मैडी ने क्या सोचा नहीं पैगी तो इस तरह का कोई गलत काम कर ही नहीं सकती उसके हिसाब से है ना तो उसे ऐसा लगा हाँ जो पैगी कर रही है ठीक ही कर रही है एज फॉर वांडा अब जहाँ तक वांडा का सवाल था शी वॉज जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड अप ऑन बॉगिन साइड यानी कि जहाँ तक वांडा का सवाल था वो एक साधारण लड़की जो बॉगिन साइड में रहती थी एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड और वो स्कूल के आंगन में अकेली खड़ी रहती थी शी स्कैर्सली एवर सेड एनी थिंग टू एनी बॉडी यानी कि उसने कभी भी किसी से कुछ नहीं कहा यानी कि वांडा ने कभी भी किसी से कुछ नहीं कहा द ओनली टाइम शी टॉक्ड वॉज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर हंड्रेड यानी कि जब भी वो बोलती स्कूल में स्कूल में वो किस बारे में बोलती अपने हंड्रेड ड्रेसेस के बारे में बोलती और वो भी कब बोलती जब वो पैगी और मैडी उसका मजाक उड़ा उड़ाती खास तौर से पैगी मैड रिमेंबर्ड रिमेम्बर्ड हर टैलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस पेल ब्लू विद कलर्ड ट्रीमिंग्स अब मैडी को याद था कि उसने यानी कि वांडा ने उसको एक नीली ड्रेस के बारे में बताया था ट्रिमिंग्स कांट छांट वाली एंड शी रिमेंबर्ड और उसको याद है क्या याद है अनदर दैट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन और उसको याद था कि उसने एक दूसरी ड्रेस के बारे में बताया था जिसका कलर जो था जंगल ग्रीन था बिल्कुल ग्रीन कलर था विद ए रेड सेच यानी कि लाल बेल बूटे के साथ यूड लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट तुम तो बिल्कुल क्रिसमस ट्री की तरह दिखोगी इसमें द गर्ल्स हैड सेट इन प्रीटेंडेड एडमिनिशन यानी कि दिखावे वाली जो प्रशंसा होती है ना लड़कियों ने वांडा से कहा कि इसमें तो तुम क्रिसमस ट्री की तरह लगोगी थिंकिंग अबाउट वांडा एंड हर हंड्रेड ड्रेसेस यानी कि वो वांडा की हंड्रेड ड्रेसेस के बारे में सोच रही थी ऑल लाइंड अप जो कि सारी पंक्तिबद्ध थी इन द क्लोज अलमारी में मैडी बिगैन टू वंडर अब मैडी बिगैन टू वंडर यानी कि सोचने लगी हु वॉज गोइंग टू विन द ड्राॅइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट यानि कि जो ड्राॅइंग और कलरिंग जो कॉम्पिटिशन है वो कौन जीतेगा फॉर गर्ल्स दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टिड ऑफ डिजाइनिंग ड्रेसिस गर्ल्स के लिए क्या कॉन्टेस्ट था ये कि ड्रेसिस को डिज़ाइन करना ठीक है ना गर्ल्स का एंड फॉर बॉयज ऑफ डिज़ाइनिंग मोटरबोर्ड्स यानी कि मोटरबोर्ड्स के डिजाइन बनाना ठीक है प्रॉब्ली पैगी वुड विन गर्ल्स मेडल शायद जो पैगी थी गर्ल्स का मेडल जीत जाए पैगी ट्रू बैटर दैन एनी वन एल्स इन द रूम क्योंकि जो पैगी थी उसकी ड्राॅइंग अच्छी थी वो क्लास में किसी से भी अच्छी ड्राॅइंग कर सकती थी एट लीस्ट दैट्स वट एवरीबडी थाट कम से कम ये तो हर कोई सोचता था शी कु कॉपी अ पिक्चर इन अ मैगजीन यानी कि वो किसी मैगजीन की जो पिक्चर थी वो कॉपी कर सकती थी और सम फिल्म स्टार्स हैड सो देट यू कुड ऑलमोस्ट टैल हु इट वॉज यानी कि वो कम से कम किसी स्टार का जो चेहरा था वो ड्रॉ कर सकती थी ताकि कोई भी व्यक्ति ये बता सके कि यह किसका चेहरा है ओ मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन यानी कि जो मैडी थी उसको पक्का यकीन था कि जो पैगी जीतेगी वेल टुमॉरो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर खैर कल तो टीचर सबको बना ही बता ही देंगी अनाउंस कर देंगी दैन दे वुड नो तब सबको पता चल जाएगा द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग बूंदाबांदी हो रही थी अगले दिन मैडी एंड पैगी हरी टू स्कूल मैडी और पैगी फटाफट जल्दी स्कूल जा रही थी अंडर पैगी अम्ब्रेला यानी कि पैगी पैगी का जो अम्ब्रेला था उसमें फटाफट वो स्कूल की तरफ जा रही थी नेचुरली ऑन अ डे लाइक दिस खास तौर से इस दिन दे डिडन्ट वेट फॉर वांडा उन्होंने वांडा का इंतज़ार नहीं किया वांडा पैट्रॉन्स की ऑन द कॉर्नर ऑफ द ऑलिवर स्ट्रीट यानी कि ऑलिवर स्ट्रीट के कोने में उन उसका इंतज़ार नहीं किया द्रीट दैट फॉर फॉर अवे जो 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 कि वो जो गली थी वो बहुत थी, tracks, दूर थी अंडर द रेल रोड ट्रैक्स यानी कि दूर रेल रोड ट्रैक्स पर एंड अप द हिल और उस पहाड़ी के ऊपर लेट टू बॉगिट जो कि बॉगिन हाइट की तरफ रास्ता जाता था एनी वे खैर दे वर्न टेकिंग चांसिस ऑन बींग लेट टू डे यानी कि आज वो कोई लेट होने का चांस नहीं लेना चाहती थी रिस्क नहीं उठाना चाहती थी बिकॉज टू डे इंपॉर्टेंट क्योंकि आज का दिन था आज का जो दिन था वो बहुत खास था डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस दिन क्या तुम्हें लगता है मिस मैसन आज जो विजेता है उसको अनाउंस कर देंगी आस्क पैगी पैगी ने पूछा ओ आई होप सो हाँ मुझे आशा है द मिनट वी गेट इन जैसे ही हम अंदर दाखिल होंगे मिस मैसन विजेता के बारे में बता देंगी सेड मैडी मैडी ने कहा ऑफ कोर्स यू विल विन पैग बेशक तुम जीतोगी पैग होप सो मैं भी यही आशा करता हूँ सेड पैगी ईगरली उसने उग्रता से कहा द मिनट दे एंटर द क्लास रूम जैसे ही वो क्लासरूम में दाखिल हुए दे स्टॉप्ड शॉट एंड गाब्स वो रुके और हाफे यानी कि मेडियो जो पैकेज थी वो रुकी और हाँफने लगी देखो गास्ड का मतलब होता है जैसे मुंह खुला का खुला रह जाना कोई चीज़ को देखकर यानी कि हैरान होकर हैरानी से है ना मुँह खुला का खुला रह जाना हैरानी से डेढ़ वर ड्राॅइंग्स ऑल ओवर द रूम यानी कि वहाँ पर पूरे कमरे में ड्राॅंग्स ही ड्राॅइंग थी ऑन एवरी लेज हर उभरे हुए हिस्से पर एंड विंडो सिल हर विंडो की दहलीस दे, पर डेजलिंग कलर्स चमकते हुए रंगों में एंड ब्रिलियंट और शानदार रंगों में लेविश डिज़ाइन बहुत सुंदर डिज़ाइंस थे ऑल ड्रॉन ऑन ग्रेट शीट्स ऑफ रैपिंग पेपर यानी कि जो सारे डिज़ाइन वो कहाँ पर कहाँ पर डिज़ाइन किए गए थे रैपिंग पेपर यानी कि जो रैपिंग पेपर्स होते हैं ना जो गिफ्ट पैक करने का है ना चमकीला पेपर होता है वहाँ पर उस रैपिंग पेपर्स में उन शीट्स को उनको यानी कि उन ड्राइंग्स को डिज़ाइन किया गया था देअर मस्ट हैव बीन हंड्रेड ऑफ दैम यानी कि कम से कम हंड्रेड ड्रेसिस होंगी ऑल लाइंड ऑफ और सारी एक कतार से लगी हुई दीज मस्ट बी द ड्राॅंग्स फॉर द कॉन्टेस्ट और ये जो ड्राइंग से वो कॉम्पिटिशन के लिए थी कॉन्टेस्ट के लिए थी दे वर हाँ वो थी एवरीबडी स्टॉप्ड हर कोई रुक गया एंड विसर्ड और सीटी बजाने लगा और मरमड़ और बातें करने लगा एडमायरिंग पर्शंस होते यानी कि हर कोई प्रशंसा से बुढ़बुड़ाने लगा सीटी लग, बजाने लगा एज सोन एज द क्लास हैड असेंबल अब जैसे ही क्लास इकट्ठी हुई मिस मैसन अनाउंस द विनर्स मिस मैसन ने विनर्स को अनाउंस किया जैक बैगल्स हैड वन फॉर द बॉयज़ जो जैक बैगल्स था वो बॉयज़ में जीत गया शी सेट एंड हीज़ डिजाइन फॉर एन आउट बोर्ड मोटर वॉज ऑन एग्जिबिशन इन रूम नंबर ट्वेल्व यानी कि मिस मैसे ने कहा जैक बैगल्स बॉयज़ में से जीता है और उसकी जो पेंटिंग है ठीक है वो रूम नंबर बारह में है अलॉन्ग विद द स्केचिज़ बाई ऑल द अदर बॉयज और दूसरे बच्चों की वहाँ पर पेंटिंग भी है उसके साथ

ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल सारी अलग हैं और सारी सुंदर इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस यानी कि जजेस के मतानुसार एनी वन ऑफ द ड्राइंग इज़ वर्थी ऑफ विनिंग द प्राइज कोई भी एक ड्रेस इनाम जीतने के लिए काफ़ी है योग्य है वर्दी है आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट मैं बहुत खुश हूँ ये बताते हुए दैट वॉन्डा पेट्रोस की इज़ द विनर ऑफ़ द गर्ल्स मेडल यानी कि वांडा पेट्रोस की गर्ल्स मेडल की विजेता है अनफॉर्चुनेटली बदकिस बदकिसमती से वांडा हैज़ बीन एबसेंट फ्राम स्कूल फॉर सम डेज़ यानी कि वांडा स्कूल से कुछ दिनों से एबसेंट थी एंड इज़ नॉट हेयर टू रिसीव द्लॉज और वहाँ पर प्रशंसा के लिए नहीं आई थी यानी कि उसकी प्रशंसा होती लेकिन वो वहाँ पर नहीं आए दैट इज़ ड्यू टू हर ठीक है जिसकी वो हकदार थी ड्यू टू हर लेट इज़ होप शी विल बी बैक टू मोरो चलो हम आशा करते हैं कि वो कल वापस आएगी नाउ क्लास यू मे फाइल अराउंड चलो क्लास अब तुम आज फाइल अराउंड यानी कि घूम सकती हो द रूम क्वाइटली चुपचाप एंड लुक एट द एक्सक्विजिट एक्सक्ट शानदार ड्राइंग्स और तुम शानदार पेंटिंग्स को देख सकते हो द चिल्ड्रन बर्स्ट इन टू अपलॉज और जो बच्चे थे अचानक से तालियाँ बजाने लगे बर्स्ट इन टू अपलॉज एंड इवन द बॉयज़ वर ग्लेट टू हैव अ चांस और लड़के भी बहुत ज़्यादा खुश थे कि उनको मौका मिला टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर कमरे में जाने का पुट दियर fingers इन दियर माउस उन्होंने अपने उंगलियां जो अपने मुंह में रखी एंड विसल और सीटियां बजाईं दो दे were नॉट interested इन द ड्रेसेज हालांकि वो ड्रेसेस देखने में कोई उनकी दिलचस्पी नहीं थी लुक बैग विस्पट मैटी मैटी ने उसके कान में खुजर वुजर की यानी कि विस्पट की अरे देखो पैग देर इज़ दैट ब्लू वन शी अस और देखो ये वही नीली वर्दी है जिसके बारे में वो हमें बोलती थी इजन इट ब्यूटीफुल क्या ये सुंदर नहीं है येस सैड पैगी हाँ पैगी ने कहा एंड हेड इज़ दैट ग्रीन अरे वो देखो ग्रीन वाली भी है बॉय आई थॉट आई कुड ड्रॉ अरे लड़के मैंने तो सोचा था मैं इसको ड्रॉ कर सकती हूँ ओके सो दिस इज डन फॉर द फर्स्ट पार्ट ठीक है ना अब हम फटाफट फ़ड़ क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन आंसर है वो थोड़े से हैं और हमारे क्वेश्चन आंसर जो है ईजिली समझ में आ जाएंगे सो विदाउट डिले लेट स्टार्ट व्यूर इन द क्लास रूम डज वंडा सीट एंड वाई क्लास रूम में वंडा कहाँ बैठती थी, थी और क्यों बैठती थी वंडा यूज टू सीट इन द पेनल्टी मेट पेनल्टी का मतलब होता है लास्ट रो में सेकंड लास्ट वाली जगह पर सीट पर रो ऑफ बेंचेस में बैठती थी शी वाज फ्रॉम एन इमिग्रेंट कॉलोनी एंड वाज फ्रॉम ए पुअर फैमिली वो प्रवासी कॉलोनी से थी और एक गरीब परिवार से थी शी सीम्स टू बी ए क्वाइट पर्सन वो बहुत शांत स्वभाव की थी एंड डजेंट लाइक मैस विद एनीबडी और किसी से झगड़ा नहीं करती थी दैट इज़ वाई शी सीट्स आइसोलेटेड आइसोलेटेड मतलब बिल्कुल अलग बैठती थी वो वियर डज वॉन्ट लीव वोंडा कहाँ रहती है वॉट काइंड ऑफ ए प्लेस डू यू थिंक इट इज़ और ये किस तरह की जगह है आपको क्या लगता है वो किस तरह ये किस तरह की जगह है वोंडा लिव्स ऑन बॉगेस हाइज हाइट में रहती है द फैक्ट डेट हर शूज़ आर कवर्ड इन मर्ड अब ये जो तथ्य है कि उसके जो शूज़ हैं कीचड़ में सने रहते हैं गंदे रहते हैं गिव्स एन आइडिया हमें ये एक आइडिया देता है दैट बॉगिन्स हाइट इज नॉट ए डिवेलप्ड एरिया यानी कि जो बोगन्स हाइट है वो कोई ज्यादा विकसित एरिया नहीं है दैट कैन बी लाइक अनप्लैंड कॉलोनीज यानी कि वो अनप्लैंड कॉलोनीज की तरह हैं जिनको प्लान करके नहीं बनाया गया दे दे डोंट हैव प्रॉपर रोड्स और ड्रेनेज सिस्टम यानी कि वहाँ पर प्रॉपर रोड्स अच्छी सड़कें और ड्रेनेज सिस्टम पतनालाल सिस्टम नहीं है द फैक्ट दैट वॉन्डर वर्स फ्रॉम पॉलिश इमीग्रांड कम्यूनिटी ये तथ्य है कि वो पॉलिश इमिग्रेंट कम्युनिटी से थी गिव्स एन आइडिया ऑफ द लेवल ऑफ अंडर डेवलपमेंट ये हमें आइडिया देता है एक विचार देता है कि बोगज हाइट कितनी अंडर डेवलपमेंट थी यानी कि अविकसित थी वेन एंड वाई डू पैगी एंड मैडी नोटिस यानी कि पैगी और मैडी ने वांडा की जो गैर हाजिरी कब नोटिस की ऑन अ एंड मैडी वेटेड फॉर टू हैव फन विद हर जब बुधवार को वा, बुधवार को पैगी और मैडी ने ठीक है ना उसका मजाक उड़ाने के लिए उसका इंतजार किया दे गोट लेट टू स्कूल यानी कि वो स्कूल को लेट हो गई एंड दस दे नोटिस वॉन्डर्स एब्सेंट इस तरह से उन्होंने वांडा की जो गैर हाजिरी नोटिस की वॉट डू यू थिंक टू हैद हर्ड मीन्स आपसे इसका क्या मतलब है उसका मजाक उड़ाना इट इज़ ह्यूमन टेंडेंसी टू टेंडेंसी टू मेक फन ऑफ अदर्स इन परफेक्शन ये इंसान की प्रवृत्ति है टेंडेंसी प्रवृत्ति है कि दूसरों की कमियों का मजाक उड़ाना वन अवज शॉर्ट ऑफ एन आउट कास्ट एस यू वॉज एन इमिग्रांस ठीक है ना यानी कि वो क्योंकि वो प्रवासी लड़की थी ठीक है ना तो उसको बिल्कुल आउटकास्ट यानी कि बिरादरी से बाहर जैसे कहते हैं ना बिल्कुल अलग ही कर दिया गया था सो अदर स्टूडेंट लव टू मॉक एट और दूसरे जो स्टूडेंट थे उसका मजाक उड़ाते थे, थे और उनको ये बहुत अच्छा लगता था इन वट वे वॉज वॉन्डा डिफरेंट फ्रॉम द अदर चिल्ड्रन यानी कि किस तरह से वांडा जो थी दूसरे बच्चों से अलग थी टू स्टार्ट यूर वॉन्डर्स नीम साउंडेड वियर सबसे पहले तो वांडा का नाम ही बिल्कुल बहुत अजीब था वांडा यूज्ड टू तो कम अलाउंट टू तो स्कूल वो अकेले आया करती थी एंड शी हैड नो फ्रेंड्स उसके कोई दोस्त नहीं थे शी हैड जस्ट वन फेडेड ब्लू ड्रेस उसकी एक फीके रंग की नीली ड्रेस थी शी कुड नॉट अफोर्ड न्यू ड्रेसेस वो नई ड्रेसेस नहीं ले सकती थी शी यूज्ड टू तो कम फ्रॉम बॉगिन्स हाइट्स वो बॉगिज हाइट्स से आया करती थी विच वॉज एन इमिग्रेंट कॉलोनी जो प्रवासी कॉलोनी थी एंड इट वॉज अ मडी प्लेस और ये कीचड़ से भरी हुई जगह थी शी डिड नॉट स्पीक टू एनीम वो किसी से नहीं बात करती थी शी वॉज नॉट लाइक अदर गर्ल्स वो दूसरी

इस तरह से एक तरह से देखा जाए वो सच भी बोलती थी वाईज मैडी क्वेश्चन आस वांडा मैडी को शर्मिंदगी क्यों महसूस होती थी जब पैगी वांडा से इस तरह से क्वेश्चन करती थी इस शी आल्सो लाइक वांडा क्या वो वांडा की तरह है और इस ची डिफरेंट क्या वो कुछ अलग है मैडी टू बिलोंग्स टू अ पोअर फैमिली मैडी भी एक गरीब परिवार से संबंध रखती है शी टू इन इज़ नॉट हैविंग मैन्यू ड्रेसेज उसके पास भी ज़्यादा ड्रेसेस नहीं है शी इज़ अफ्रेड ऑफ बींग रिडिकूल्ड और वो मजाक उड़ाए जाने से डरती है रिडिकूल मतलब हंसी मजाक उड़ाया जाना फर्द मोर इसके अलावा शी कैन अंडरस्टैंड अ प्लाइट विच वॉन्डा मे बी अंडर गोइंग वो उसके दर्द कोई प्लाइट मतलब उसके दुख को समझ सकती है के वो किस दुख से गुजर रही है वाइल बींग लावड जब लोग उसके ऊपर हंसते हैं मैडी इज़ नॉट हालांकि मैडी वांडा की तरह गरीब नहीं है बट शी इज़ लेकिन वो गरीब है शी इज़ टू वर्ड वांडा यानी कि सिर्फ कुछ ये भी पता चलता है कि वो उस कुछ सहानुभूति है उसकी वांडा के प्रति डिडंट मैडी आस्क टू स्टॉप टीजिंग वांडा मैडी ने पैगी से ये क्यों नहीं कहा कि उसको छेड़ना यानी कि टीजिंग वांडा उसको छेड़ना छोड़ दो वट वॉज उसको किस चीज़ से डर लगता था मैडी डिज स्टॉपिंग वांडा बिकॉज शी डिट नोट वॉन्ट टू मेक हर सेल्फ ए न्यू टारगेट फॉर पैगी मैडी ने पैगी से इसलिए नहीं कहा कि वो वांडा को छेड़ना बंद कर दे क्योंकि उसको ऐसा लगा था कहीं ऐसा ना हो कि अगला जो निशाना है टारगेट वो खुद ही बन जाए एंड दर गर्ल्स दूसरी लड़कियों का शी वॉज अफ्रेड ऑफ बींग टारगेट बाई पैगी यानी कि वो डरती थी कि कहीं दूसरी लड़कियां उसको टारगेट ना बना ले पैगी माइट आस्क हर वीयर शी गोट द ड्रेस दैट शी हैड ऑन और पैगी ये भी पूछ सकती थी मैडी से कि वो जो उसने ड्रेस पहनी हुई है वो किसने दी वो उसको कहाँ से मिली हु डिट मैडी थिंग वुड विन द ड्राॅइंग कॉन्टेस्ट वाई अच्छा मैडी को क्या लगा कि ड्रॉइंग कॉन्टेस्ट कौन जीतेगा और क्यों ऐसा उसको क्यों लगा मैडी थिंग्स दैट पैगी वुड वी इन द कॉन्टेस्ट मैडी को लगा कि पैगी कॉन्टेस्ट जीते रहिए बिकॉज अकॉर्डिंग टू हर क्योंकि उसके अनुसार पैगी ड्रू बैटर देन एनी वन एल्स इन द रूम क्योंकि पैडी की पैगी की जो ड्राॅइंग थी किसी भी क्लासरूम के सहपाठी से यानी कि बच्चे से अच्छी तेजी को ड्रा सम फिल्म स्टार है क्योंकि वो किसी फिल्म स्टार का हेड यानी उसका चेहरा बना सकती है सो देट वन गुड ऑलमोस्ट एल हु इट वॉज के ये कौन है यानी कि पहचान कर सकता था हुन द द विनर ड्रॉन यानी कि ड्राइंग जो कॉन्टेस्ट था कौन जीता और जो विनर था विजेता उसने क्या बनाया वन दैट्रॉन्स की वन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट वांडा पैट्रोन्स की क्या जीती ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीती द विनर है ड्रॉन वन हंड्रेड डिजाइन उसने वन हंड्रेड डिज़ाइन बनाए ऑल डिफरेंट सब अलग एंड ऑल ब्यूटीफुल और सारे सुंदर हाउ इज वांडेज सीन एज डिफरेंट बाई अदा अदर गर्ल्स यानी कि वांडा को अलग रूप से क्यों देखा जाता है अलग लड़कियों दूसरी लड़कियों के द्वारा हाउ डू दे ट्रीट हर वो उसके साथ किस तरह का व्यवहार करती हैं वांडा इज सीन एज सावन विद अ फनी नेम एंड एक्सेंट यानी कि वांडा को सबसे पहले एक फ़नी नेम एंड एक्शन यानी कि उसका जो एक्शन बोलने का तरीका है वो अलग है और उसका नाम है वो मजाकिया था इसलिए उसको अलग तरीके से देखा जाता है अदर गर्ल्स सी वॉन्ट एज ए स्ट्रेंज क्रिएचर जो दूसरी लड़कियाँ उसको एक अजीब पुराने के रूप में देखती हैं विच इज़ इंटायरली डिफरेंट फ्राम दैम जो कि उनसे बिल्कुल ही अलग है दे मेक फान ऑफ वांडा और जो और वो वांडा का मजाक उड़ाती हैं हाउ डज वांडा फील अबाउट द ड्रेसिस गेम वांडा ड्रेसिस गेम के बारे में कैसा महसूस करती है वाई डज शी से सेट शी हैज़ हंड्रेड ड्रेसिस वो ऐसा क्यों कहती है कि उसके पास हंड्रेड ड्रेसिज हैं वनडाफ फील्स ह्यूमिलेटेड वैन गर्ल्स आस्कर अबाउट ड्रेसेज वन बहुत ज़्यादा बे महसूस करती है ह्यूमिलेट मतलब बेइजती महसूस करते हैं जब लटका उसके उससे हंड्रेड ड्रेसेस के बारे में पूछती हैं शी सेज दैट शी हैजे हंड्रेड ड्रेसेज वो कहती है कि मेरे पास हंड्रेड ड्रेसेज हैं बिकॉज शी हैज हंड्रेड डिजाइन ऑफ ड्रेसेज क्योंकि उसके पास हंड्रेड डिजाइनस है ड्रेसेस के ऑफ डिफरेंट कलर्स अलग अलग कलर्स के ऑल लाइंड अप इन हर क्लोजेट जो कि उसकी अलमारी में पंक्ति लगे हुए हैं वाइडस मै डी स्टैंड बाई एंड नॉट एनी थिंग और जो मैडी थी वो उसके पास क्यों खड़ी रहती और कुछ ना बोलती यानी कि चुप रहती हाउ इज ही डिफरेंट फॉर पैगी वो पैगी से अलग कैसे थी वो उस पैगी इज फ्रेंडशिप इंपॉर्टेंट टू मैडी क्या पैगी की फ्रेंडशिप मैडी के लिए इंपॉर्टेंट थी वाई ऐसा क्यों विच लाइन्स इन द नए इन द टेल यू दिस यानी कि इस टेक्सट में कौन सी लाइन्स इसके बारे में बताती हैं पैगी इज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द क्लास पैगी सबसे ज़्यादा पॉपुलर लड़की है क्लास में एंड मैडी इज़ हर क्लोज फ्रेंड वो उसकी और जो मैडी है उसकी वो पक्की दोस्त है मैडी इज़ अफ्रेड ऑफ लूजिंग पैगीज़ फ्रेंडशिप मैडी को डर है कि वो पैगी की फ्रेंडशिप ना खो दे दैट इज़ वाई इसी लिए मैडी डज नॉट वॉन्ट टू टेक रिस्क ऑफ एनोइंग इसलिए जो मैडी है वो रिस्क नहीं लेना चाहती अनोइंग मतलब गुस्सा दिलाने का पैगी पैगी को गुस्सा दिलाने का वो रिस्क लेना नहीं चाहती एंड प्रेफर्स टू बी स्पेक्टेटर और वो क्या किस चीज़ को तरजीह देती है कि वो चुपचाप देखती रहे स्पेक्टेटर मूक दर्शक बनकर खड़ी रहे द लाइन जो लाइन है पैगी वॉज द बेस्ट लाइकडर यानी कि पैगी सबसे ज़्यादा पसंद की जाती थी लड़की एंड कुड डू नो रॉन्ग ठीक है ना? और वो किसी के साथ बुरा नहीं करती थी यानी ये जो लाइंस हैं यहाँ से यहाँ तक इससे पता चलता है कि जो मैडी थी वो पैगी को कितना चाहती थी उसकी फ्रेंडशिप चाहती थी वट डज मिस मैसन थिंग ऑफ वांडर्स ड्राॅइंग अच्छा मिस मैसिंग ने वांडा की ड्राॅइंग्स के बारे में क्या सोचा वॉट डूज द चिल्ड्रन थिंक ऑफ दैम और बच्चों ने उसके बारे में क्या सोचा हाउ डू यू नो आपको कैसे पता मिस मैसन थिंग्स एट ऑल द ड्राइंग्स मेड बाई वांडा वर रियली ब्यूटिफुल मिस मैसिन ने सोचा कि जो सारी जो ड्राॅइंग्स जो वांडा के द्वारा बनाई गई हैं वो सारी सुंदर हैं एंड वर्दी ऑफ विनिंग द मेडल और सारे किसके योग्य हैं मेडल जीतने के काबिल हैं द चिल्ड्रन वर ऑल्सो इम्प्रेस बाय वांडर्स ड्राइंग जो बच्चे थे वो भी उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो वांडा की ड्राइंग से दिस वॉज एक्सप्रेस बाय द लाउड अप्लोज और बच्चों ने कैसे दिखाया द लाउड अपलोज ताड़ियाँ बजा कर एंड विसनिंग बाय द बॉयज और सीटी बजा कर जब लड़कों ने सिटी बजाई ताड़ियाँ बजाई ठीक है।, है तो इससे पता चलता है वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो वांडा की ड्रेसेस को देखकर थैंक यू सो मच यू कैन राइट दिस क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोटबुक Okay, uh, please hit the like button if you liked it, and of course, you can subscribe it so that you can get the next notification of my next video. Thank you so much, have a nice time.